और अब बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां जिला अस्पताल धोखाधड़ी व शासकीय राशि के गबन के मामले में लालबाग पुलिस ने जिला अस्पताल के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। शकील अहमद से पुलिस ने सिंधी बस्ती चौराहे के पास स्थित 2 करोड़ कीमत के प्लॉट की रजिस्ट्री व 2 लाख रुपयों की नकदी भी जब्त की है। मुख्य आरोपी प्रतीक नवलखे का वृंदावन कॉलोनी स्थित 1.5 करोड़ का बंगला पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसके साथ ही पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में लालबाग पुलिस ने जिला अस्पताल के धोखाधड़ी व शासकीय राशि गबन प्रकरण में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी डॉक्टर शकील अहमद ने कोरोना काल के दौरान अस्पताल के सह अधीक्षक के पद पर रहते हुए फर्जी बिल की नोटशीट बनाकर शासकीय राशि को धोखाधड़ी के साथ विभिन्न खातों में डलवाई थी। बाद में राशि को निकालकर उसे निजी उपयोग में इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने शकील अहमद से उसके द्वारा सिंधी बस्ती चौराहे से हमीदपुरा रोड पर कुछ दूरी पर अस्पताल बनाने के लिए खरीदे गए तकरीबन 2 करोड़ के प्लॉट की रजिस्ट्री, 2 लाख नकदी भी जब्त कर ली है। वहीं दूसरी ओर प्रकरण के मुख्य आरोपी प्रतीक नवलखे से उसका वृंदावन कॉलोनी स्थित करीबन 1.5 करोड़ रुपए का बंगला भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस अभी तक गिरफ्तार आरोपियों से नकदी व संपत्ति मिलाकर तकरीबन 4.50 करोड़ रुपयों की जब्ती कर चुकी है। पुलिस के द्वारा आरोपी डॉक्टर शकील अहमद से विस्तार से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ व प्रकरण की विवेचना के आधार पर गबन में सम्मिलित दूसरे आरोपियों की भी गिरफ्तारी और उनके द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि शकील अहमद फरार चल रहे थे। विराट 24 न्यूज के लिए बुरहानपुर से हेमराज डोभन की रिपोर्ट।